जी ये आप इसका इंडिविजुअल लेना ठीक जगह बोल इसका ठीक इसका कैसे खींचेंगे ये मैं ले लेता हूँ ये इधर एक मिनट क्या तुम आपने कैमरा भी ले लो Thank you.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the next one.
क्वालिफिकेशन कहने लगे कुछ नहीं, कोई तजुर्बा कहने लगे वो भी कुछ नहीं।
कहीं काम किया है दो चार महीना कहने लगे कुछ नहीं बोला आप यहाँ पर तशरीफ क्यों लाए क्यों आए हैं यहाँ पर कहने लगे साहब मैं बताने के लिए आया हूँ मेरे भरोसे पे मत रहना इंतजाम कर लेना अपना मेरी कैफियत जो है आज कुछ ऐसी है कि ना मुझे मेमनी आती है ना मैं मेमन हूँ ना कोई ताल्लुक है लेकिन हाँ ये है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं इन चीज़ों पर यकीन मेमन से दोस्ती है हाँ मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ मेमन से दोस्ती है और दोस्ती इसलिए है कि सबसे बड़ा जो इंसान का रिश्ता है असल में ये मेमन और ये तमाम जमातें जो हैं ये तफरक़े के लिए एक पहचान के लिए कुरान में इसका जिक्र है ये इंसान की शनाख्त के लिए होती है लेकिन मैं इस कौम की और आपकी कम्यूनिटी की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि हर इंसान का कुछ लोगो होता है कुछ स्लोगन होता है उस ट्रैक पे काम करती है कोई बिजनेस पे काम कर रहा है कोई तालीम पे काम कर रहा है कोई किसी और फील्ड में काम कर रहा है लेकिन तमाम मैदानों के अंदर जो सबसे बड़ा मैदान है और इसके अंदर इसकी सबसे ज़्यादा अव्वलियत है अहमियत है अफजलियत है वो है खिदमत खल्क अल्लाह की सुन्नतों में सबसे बड़ी सुन्नत ये है कि देना अल्लाह जो है देता है और इंसान की सुन्नत अगर यही हो कि अगर वो दे ज़रूरी नहीं पैसा दे मुस्कुराहट दे खिदमत दे किसी को मदद दे किसी को सहारा दे किसी को बैसाखी दे ये सारी चीज़ें खिदमत में आती हैं इस कौम को मैं देख रहा हूँ कि इसका बच्चा बच्चा जो है इसका शुरू से मैंने देखा है बॉम्बे से मेरा ताल्लुक़ बाल भाई को मैं वहीं से जानता हूँ तकरीबन 25 साल से कि इस कौम का मैंने हाथ कभी यूँ नहीं देखा हमेशा यूँ ही देखा है तो इसकी तरक्की की और इसकी जो शोहरत है मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा जो रीज़न है सबसे बड़ा जो वजह है वजह तस्मिया है वो ये है क्योंकि होता यूँ है कि हम लोग पैसा 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 पूरी ज़िंदगी इसमें खर्च कर देते हैं वो पैसा का दूसरा जो मसरफ़ होता है वो होता है सिर्फ अपना घर मेरे बच्चे मेरा मकान मेरी दुकान इसमें ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और जितना हम इतना कमाते हैं कि उससे कई कई नस्लें खा सकती हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि कंजूस का माल सिर्फ उसके मरने के बाद निकलता है लेकिन ये वाहिद कौम है कि जिसका माल जो है ज़िंदगी में निकलता है लोगों पर खर्च होता है इसलिए इसकी खुशहाली का तो मैं समझता हूँ ये सबब है अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ इकबाल मेमन साहब की जानिब इकबाल मेमन साहब की शख्सियत असल में इतनी वसी है मैं इनको तकरीबन 2000 से पहले ही से जानता हूँ और बॉम्बे से मेरा ताल्लुक रहा तो वहाँ पर मैंने इनकी शख्सियत के बहुत से पहलू देखे हैं और वहाँ ये तजाद नहीं है इकबाल मेमन की शख्सियत में कि सिर्फ मेमन के लिए कर रहे हैं कहीं पर भी हो कुछ भी हो खिदमत खल्क का काम वहाँ पर इकबाल मेमन जो है मौजूद होते हैं मेहमान खसूसियत होते हैं कहीं मुशायरा है इकबाल मेमन साहब वहाँ पर मेहमान खसूसी कहीं अदबी तकरीब है इकबाल मेमन साहब वहाँ पर मेहमान खसूसी ईद मिलादुन नबी की तकरीबात है इकबाल मेमन साहब वहाँ पर मेहमान खसूसी इज्तिमाई बच्चों की शादियाँ हो रही हैं इकबाल मेमन साहब वहाँ मेहमान खसूसी कहीं मिलाप है कहीं जोड़ है वहाँ इकबाल मेमन साहब मेहमान खसूसी बल्कि अगर कहीं तलाक भी है तो वहाँ भी इकबाल मेमन साहब मेहमान खसूसी तो इसका गलत मतलब नहीं तलाक का मतलब नहीं तलाक कराते हैं ये जोड़ के लिए रिश्तेदार के लिए रब्बत पैदा करने के लिए इकबाल मेमन साहब का इतना किरदार है वहाँ की कम्युनिटी के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे पता चला कि इनके कामों की जो रोशनी है जो नूर है पूरी दुनिया के अंदर पहुँचा और मैं वर्ल्ड मेमन डे इन्हीं की वो है शुरुआत इन्होंने शुरू किया तो इतनी शख्सियत के पहलू आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हमारी कौम के अंदर अगर कोई ऐसा सालार कोई रहबर कोई लीडर पैदा हो जो लीड करे लेकर चले क्योंकि अब लीडर बनना बंद हो गए हमारे यहाँ अब प्रोफेसर बनते हैं अब इंजीनियर बनते हैं अब डॉक्टर बनते हैं सबका मकसद एक ही होता है कि मैं कैसे कामयाब हो जाऊँ ये बहुत कम लोग हैं कि मेरी कौम कैसे कामयाब हो जाए तो ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर कौम के लिए अगर कोई काम कर रहा है वो दूसरों के लिए मिसाल होता है एक रोशन होता है दलील होता है इनके लिए बस वो आते आते मुझे शेर तो सूझा वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ इकबाल भाई के खिदमत खल्क़े खुदा जिस शख्स का पैगाम है खिदमत खल्क़े खुदा जिस शख्स का पैगाम है कौम के खादिम हैं ये इकबाल मेमन नाम है
قوم کے قاضی میں یہ اقبال میمن نام ہے. تو میں آپ ایل ڈیلس کی طرف سے اور میمن جماعت کی طرف سے تو ہے ہی, لیکن میں ادبی برادری, چونکہ میں شاعر ہوں اور مجھے تو گھر پہ برداشت نہیں کیا تھا شاعروں کو, آپ لوگوں نے اتنا برداشت کر لیا, شاعروں کو کون برداشت کرتا ہے. تو میں شکر گزار ہوں, آپ نے سنا کہنے کے لیے بہت جی چاہ رہا ہے, لیکن مجھے ایک خطرہ یہ بھی لاحق ہے کہ ایک صاحب ایسی محفل میں دوسری طرف کی تھی, کیونکہ آپ لوگ شریف لوگ ہیں, شاعری سے آپ کا تعلق ہے نہیں, تو وہ کچھ بولے جا رہے تھے کہے جا رہے تھے, سامنے سے ایک صاحب جو تھے لکڑی لے کر کھڑے ہوئے تو گھبرا گئے, کہنے لگے کہ بھائی میں جا رہا ہوں مجھے معاف کر دو. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ سے کوئی شکایت نہیں, آپ تو ہمارے مہمان ہیں, جتنا بور کرنا ہے کرتے جائیں, میں اس شخص کو تلاش کر رہا ہوں جو شخص آپ کو لے کر یہاں پر آتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ کل آپ ان کو موتی والا صاحب کو تلاش کرے کہ کس کو لے آئے تھے. تو یہ میری چند معروضات تھی, کہنے کے لیے بہت کچھ من کر رہا ہے لیکن اپنی عزت میں خطرے میں نہیں ڈال سکتا, کھانا بھی لگا ہوا ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے. اقبال میمن صاحب کو سنیں اور دعا کریں کہ اللہ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. اب ایسے لوگ جو ہے نا, اب کمپنی میں بننا بند ہو گئے ہیں. میں نے جیسے بتایا نا کہ ہر طرح کی قوم آ رہی ہے اور وہ اتنی ترقی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, لیکن جو جذبہ قوم کی خدمت کا ہونا چاہیے اس جذبے سے جو ہے نا قوم بالکل آ رہی ہے اور بہت دور ہے. یہ جذبہ اقبال بھائی کو دبئی بھی لے کر جاتا ہے, سعودی بھی لے کر جاتا ہے, امریکہ بھی لے کر آتا ہے, پوری دنیا میں شاید در بدر گھومتا ہے, آرام اپنا چین ختم کر کے پیسہ خرچ کر کے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے کہ جس سے ہمیں انسپائر ہو کر پوری قوم کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو اپنی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ قوم کے رہبر قوم کے لیڈر ایسے ہوتے ہیں. اور ہر دن عزیز اگر بننا ہے تو لوگوں کے لیے کچھ کرو, انسان لوگ جو ہے آپ کو انشاءاللہ سروں پر بٹھائیں گے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کچھ کہا تھا شاعری پیش کر دینا, میں سمجھتا ہوں شاعری کا موقع نہیں ہے, اگر کوئی ضرورت ہوگی تو مجھے بلا لیجیے گا, میں اپنا بس یہیں اپنا وہ ختم کرتا ہوں, اجازت چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. نور امرئی صاحب بہت ہی خوبصورت لفظوں کا چناؤ اور بہت ہی مختصر اور بڑی کمپریہنسو تقریر کی آپ نے, بہت شکریہ. اب اس شخص کو بلاتا ہوں میں جس کا سب کو انتظار ہے اور جو اس تمام پروگرام کو ارینج کرنے کا سہرا جنہیں سرو ہے, دا ون اینڈ اونلی مسٹر اشرف موتی والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے سے پہلا بھائی اقبال بھائی کے بہت دور سے ورکی آئی ہوں, انڈیا سے آ گیا, لندن گیا, لندن سے پچھی امریکہ آ گیا, امریکہ میں اڑا, انہیں جی کافی جان پہچان ہوئی, اڑا انہیں ملاقات کریا بدے سے, ان کے بعد ایم اے ٹی جی طرف سے میمن ایسوسیشن نان ٹیکس جی طرف سے ڈیلس میں آ گیا. ڈیلس میں اچھے کے بعد انہیں آسٹن ملنا, تو یہ بدو انہیں جی بہت بہت مہربانی آ گیا, نے اسا کے موقع ڈینیا کہ اسا ان کی خدمت کر سکوں. اقبال بھائی تھینک یو. بھی گال کرنی ہے کہ پانچ ادا اللہ کی مہربانی سے یگسٹر جتنی بھی چھوکری ہوئی ہیں وہ ماشاء اللہ ڈاکٹری کری ہوئی ہیں, افسوس تھے تو کوئی ماڑو نہیں, ماشاء اللہ چار چھوکری ہوئی کوئی ماڑو نہیں. چی تو ہی کہ نارو چار چھوکری پوتے گریجویٹ کری ماسٹر کری ڈاکٹر بنی ہوئی نے ماڑو کوئی آئے نہ روچ جے پان کی نہ دعا ڈیجے پائیں گے بچیوں کے, اللہ انہیں کے خوش رکھے بدوئی کی کرے, انشاءاللہ ون بائی ون اکڑے کو کے برکنو سی نے اقبال بھائی کے دن سے انہیں بدے کے پلیک دیں جو دین جائیں پلیک وہ انشاءاللہ پلیک دینا, انہیں بھی خوش رہیں. میمن ایسوسیشن نارتھ ٹیکسس کے ہمیشہ یاد رکھ جا, کدے بھی کی گریجویشن تھے وڈے ننڈے کی بھی تھے پلیز ایم ایل ٹی کے کانٹیکٹ کرو, نہ اسا جترو تھی سکوں اسا یہ کروں گا. یہ پروگرام جو کری رہی ہوں یہ ٹوٹلی ایم ایل ٹی بدو کری رہی ہے, میمن ایسوسیشن نارتھ ٹیکسس بدو کری رہی ہے, نہ اسا جا جترا اسپانسر ہیں ان بدے کے اپریشیٹ کروں تاکہ میں آ گیا
इन्हीं वजह के ऐसा ही तरह से दावत आए नाम चाह तो मैंने जी कमेटी पांजी इन्हीं के भी हो मेहरबान के जी बेचारा हर वक्त काम कर लाए तैयारी तो आई वजह के बहुत बहुत मुबारक हो अने अच्छा यो ये है कि अने थोड़ो लेट थी भी हो इकबाल भाई जो भाणेज है ये लेट थी भी हो तो इनके लिए ही अपन तिलावत करनू ने इनके बाद ही इनके इनके तर्जुमा भी करनू दूर ही अच्छा दूर है अच्छा की अच्छा अच्छा सलीम भाई नारी की तो अच्छी भी है इनके ना जरा बर्थडे नहीं नहीं तो अच्छी भी है कितने भी आमिर आमिर अच्छी भी है आजो आजो ये आमिर भाई आए इधर आमिर ये आमिर भाई अजय भाई इप्पर ये इकबाल भाई जब भाणे जी ने इन्हीं आए ना तिलावत करना ने तर्जुमे भी करना इनके बाद पच्चीस पांच से चलो शुरू करूं था ले السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسى جن من جو نام أمير حمزة من جو پیشو اکاؤنٹنگ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں کے موقع دنیا کہ آؤں کورپورٹ ورلڈ میں کافی عرصو کام کرو अल्हम्दुलिल्लाह इनके मुझी मेमणी को चाहिए टिप टॉप लाइन तो अगर कोई गड़बड़ थी तो माफ़ी ऑलरेडी एडवांस में ऐसे मंगी गई ना जजाकल्लाह खैर मुझा गाड़ा जो है सोरठ मेमण जमान जो वा सदर हुआ वो सीमा जी कम करिए अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे मापे मापे क्या चाहूँ बताड़ी भी हो उसके मुझे तलावत शायद उड़ा थी ने थोड़ा तर्जुमो भी मुझे करना हुआ तो इन चाहो कि भाई रिकॉर्ड करनी है जी जो है ना मेमणी सुननी है सो अल्हम्दुलिल्लाह आओ चाहिए बस कि जो तिलावत करूँ या उनो मोटो मोटो तर्जुमो कर दिए तो के मुझी नज़र में ये पांजा कड़ी बदकिस्मती है कि पाँ अल्लाह जो कलाम तो सुनू था ने तिलावत भी सुनू था लेकिन अल्लाह जी मुराद तुरो आए उनो समझ ना तो अल्लाह ताला मेके थोड़ो अरबी जी थोड़ी समझ दीनी भी ने थोड़ी बस लाई था उर्दू ने मेमणी जी तो थोड़ो आए लोगों के सामने मफहूम खोला तो ये जो आया था आए लोगों के सामने इनको तिलावत करूँ इनमें अल्लाह ताला बहुत चीज़ों पाके समझाए है पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला चुरियन के जो दुनिया है इन दुनिया की खिंच जो है ना वो बड़ी शदीद है दुनिया की जो कशिश है वो बहुत शदीद है ने इंसान के अड़ो घेरे थी इंसान जब तो अड़ो कब्जो करे थी कि पूरी जिंदगी निकली वे थी जिंदगी जो डी जो है पानी की तरह बही वे एंड अल्लाह ताला इनसे बचा है थोड़ो लोगों ने बची मौत जो वक्त ही दुनिया जो नशा उतरे तो ई गाल है कि पाके ही समझ नू आए दुनिया जी हैसियत के सामने रख लू है दुनिया जी नशे के सामने रख लू तो मिके लगे तो कि पाँच मेमण लोग हूँ पाके दुनिया जी इन खिच के बारे में थोड़ो वधु अंदाज हो क्योंकि पाँ बिजनेस माइंडेड लोग हूँ माशाल्लाह अकड़ो स्टोर बनी हुई बीजो बनानो है अकड़ो बिजनेस बनी हुई बीजो बनानो है पची इंडिया बाद माशाल्लाह एसोसिएशन फेडरेशन यू नो पॉलिटिक्स माशाल्लाह माशाल्लाह तो इन झमेलों में इन बुलबुलैयों में पूरी इंसान की जिंदगी निकली सके पर हम यहाँ अपने मेहमान पास गाल करी हो माशाल्लाह सर्जन है माशाल्लाह हेड़ा मसरूफ इन कुते जॉब में
खिदमत जो कम करूं था इनमें कोई शक नहीं, पर हकड़ो डी बच्चे बच्चों मेमन जो कीक नेकी नेकी जो कम करे, हर घर जे अंदर मेमन डे मनान में अच्छे बच्चे बच्चों कीक नेकी सदको करे, कीक नेकी खैरात करे, मेमन जमातो बद्दियों चाहे स्कूल या यूनिफॉर्म दिए, चाहे इन्हें गरीब के अनाज बांटे इन्हें, चाहे ब्लड डोनेशन या कैंप करे, चाहे तो सेमिनार करे, इन टाइप जा कम करी ने सजी दुनिया जा मेमन हकड़े प्लेटफॉर्म दखो एहसास थी नहीं है कि पा मेमन यू अने पा खिदमत पांजो पेश हुआ ने पा खिदमत ले करी ने पैदा थी आयो वो शख्स जो इंसान जी खिदमत नहीं करनो समाज जी खिदमत नहीं करनो इस समाज ले करी ने जिंदा लाश जे बराबर है वो जिंदा लाश समाज ले करी ने कोई उपयोग ही नहीं जो अगर खिदमत नहीं करी तो समाज की खिदमत कर ले करी ने इंसान के पांच समाज के मेमन जरिए थे ऐसा जा दोस्त हैं अमरोही साहब बहुत बड़ा इंटरनेशनल साइन है नूर अमरोही इन नूर जरिए थे नूर होई तो नहीं रही थे नूर जरिए थे पहला पहला या नहीं या बड़ा बड़ा मुशायरा इंटरनेशनल पूरी दुनिया में मिलता है इंडिया में चंदा तो बहुत बड़ा इस्तकबाल है तो वो शख्सियत आए तो इंसान की खिदमत चाहे कोई भी रीते करो है पांजो फर्ज है पांजे मथे अने गरीबी आई आई जा पेट आडा नारिया होना बनी सके तो आई ने अंदर अमुक बुजुर्ग है नी भी इते आबिया होना तो स्ट्रगल करिया होना घणा जण भी के छुआ के अमी जा कजन नहीं इते आनी जे भेड़ो आवियो यहां पांजे इंगरी जो मेके इनी ने जाविया तो बिया घणे जे यारे मुझे मुलाकात थी अब्दुल रहमान असा जा कजन नहीं यकीन मनो के मिया मु रिश्तेदार इते आई इन्हीं जी मुझे मुलाकात थी एड़ी खुशी जो मुझे खून जे रिश्ते से मुझे मुलाकात थी अने आ खुश थियो से एड़ी खुशी में के आई ने से मिली ने थी ऐसा थी मैं के बिजो भी आई रिश्तो एड़ो है कि हकड़े बंधन थी पान बंधाए लाई हो मेमन समाज जो है ये अल्लाह ताला पाके जो नवाजी है 931 हिजरी अन्य ई मुताबिक 1524 ईस्वी 931 हिजरी अन्य 1524 हिजरी में लोहाना पावासी इन्हें पहला पा मंदिर जे में पांजा पे डाडा घंटा वगाना अने पांजा पे डाडा पूजा करना पा ईमान से मुसरफ किया से अने 700 खानदान अने इन्हें अंदर तादाद हुई 6178 पर्सन 6138 माड़ू ये तिंडी मुसलमान थिया सैयद यूसुफुद्दीन जो गोस्पाक के पंजवी पुस्त में हुआ इन्हें से अने इन्हें के लकब दिन में आवियो मोमी क्या है अस्थि मोमी थी पर आप भरन थीने 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 पां मोमीन से पां मेमन थी लिया से अल्लाह ताला पां के पाचो मोमीन बनाई दिए पर हकड़ी चीज आए कि जो बुजुर्ग जी दुआ हुई कि इनके खूबसूरती मेमन के होनी दीनदारी होनी दिलेरी होनी ये अल्हम्दुलिल्लाह पां बरकरार रखे हैं અને અલ્લાહ તઆલા પાકે મેમણ થી કરોડો કરોડો રૂપિયા નો કમાઈ લીધો નૂર અમરોઈ સાહેબ આપકો બતાઉ કઈ કોલેજે કઈ સ્કૂલે આજ આપ દેખ રહે પૂના મે અલ્લાના ફેમિલી રંગુન વાલા ફેમિલી ઓર કરાચી મે આપ દેખિયે મેમનો કી દેને મેમન કિતના ફાયદા ઉસમે ઉઠાતે હૈ યે હમ મેમન બ્રાધરી જો હૈ કી ખાલી મેમણ લગે ને પકમ નહી કરી आवामुन नास लेकर ने कम करिए मुस्लिम लेकर ने भी ना नॉन मुस्लिम में जो फायदा हो पड़ अल्हम्दुलिल्लाह वो पांजे कौम जो आई चिराग जे गुनिया है ना रोशनी खिदमत जी रोशनी जो आई बाटी रही है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन 500 मेमन जमात जो अगर फेडरेशन है करोड़ों रुपए जो कम अल्हम्दुलिल्लाह किया तो कोई के ही ना लगे कि आओ कोई फंड की इतने वसूलाती कर लेकर ना आवियो यहाँ अन्य फंड की ना लेकर ना आवियो यहाँ इतने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दिया है कि
ये मकसद ना ही नहीं जो फंड जो अकड़ी अकड़े तांत्रिकसी बदे मेमन के बंदू आए पर ये आए के ऑल इंडिया मेमन जमात सजी हिंदुस्तान के अंदर गरीबी जरूर है मेमन जी कराची में भी पाकिस्तान में भी गरीबी आए अगर आए के सही जगह ते अगर आए के लगे तो के पैसों पाके अगर मोकलियो खपे ने दिलो खपे तो सौ से बेस्ट इदारों जो आए ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन है जो आए ये अकड़े अकड़ो पैसों जो आए सही जगह ते पूनो सजे ते अंजुम भाई अच्छे लाइन असाजे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जी मीटिंग के अंदर और कौन आया था अपना अभी हाल में कौन आया था आप ही आए थे ना हाँ तो मेराज भाई बिया घना खरा इतने जा अवार नवार अच्छी आ करन था असाजे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जी विजिट करन था घनी बदी कॉलोनियों अलहमदुल्ला असा बनाया यूं घनी बदी समूह लगन करूं था असा घणो बदो अलहमदुल्ला कम अल्लाह ताला गिनी लियो आई मेमन बरादरी जो अन्य सौ सी वडो चीज है कि पैसा बांटनो ये बड़ी चीज नहीं मेमन के हकड़े प्लेटफॉर्म ते गिनी इतनो ने जागृति गिनी इतनी आज आ जो उत्साह ना ये चार बच्ची के आ मुबारकबाद दिया तो है के नीनी के मापे के कि आज ये लेडीज आई जो ने के छोकरियों अज्ञा पढ़ी लियो इल्ला किया वदी ली हुई असर ये देवी हो जा रही छोकरा वासे छोकरियों अज्ञा है ये बड़ी बच्ची इतने बैठी है जो आईटी करी है बेंगलोर दिया भी है इतने इतने सर्विस करी दी है छोकरा बहुत अच्छा पुगन था कि क्या नाम है करो नाम अफसा बेंगलोर दिया भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह घनी छोकरियों अग्या वधीरी हुई अन्य पांच छोकरा वासे पूरा भी नहीं है इन्हीं के पांच प्रोसाइड अर्जी मीटिंग में ये मापे जो बैठा है ना ये प्रोसाइड ये थी ना असरफ बा के पांजी बच्ची हो गया वधीरी में तो पांजा बच्चा जो आई नहीं के भी पांजा लिया बताए रखो पे अपनो जमानो हो के मापे चुना हुआ के भनी ने तो के करो करनो है डिग्री के ने करनो करो है तो के खड़े ते जाकर रहनो है ना तराजू जो पढ़नी है ना कारण के लगभग मेहमान जो अनाज जो बिजनेस हो या कपड़े जो या तो मापनो जाए ने तो के वार मापनो है तो के भोकरो कम करने तो भणी ने करने करो गण तू गण मा गण तू तो हु गणा ना भाई रो अने पा पा जा पाड़ा अध जा पाड़ा आज का मचन था आज कोई जरूरत नहीं आज के तो कैलकुलेटर बदो अच्छी है कंप्यूटर अच्छी है तो हर चीज जो अपनो अपनो वक्त हो तो वक्त के हिसाब से पा के हो पहला जमाने में जवानों हो दो और पहला के दुनिया हथेली में आज हथेली में भी नहीं थी दुनिया आज दुनिया है उंगली में अकड़ी आंगड़ी में दुनिया थी भी है जी एनआरई के ना हथेली में पहला कोई बड़ो कंप्यूटर हुआ बड़ा बाबा बड़ो एक बहुत सी कम कर रहा हूं अरे बदो जरूर ना बदो मोबाइल में छी ने अकड़े हाथ थी पूरी दुनिया आज हली रही है तो पांके पाजे बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह हूं नाड़ियों से हेते यूएसए में यूके में हूं वियो से यूके जमात भी लेस्टर आ वियो से लेस्टर जमात भी में जो बहुत तो सम्मान सारो करी इते पाये न्यूयॉर्क में अच्छी बड़े ठेकाने थीने थे ना वियो से तो बड़े ठेकाने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मेमन तरक्की करी दी है पेपर में तरक्की करी दी है आपने नूर अमरोही साहब ने एक बताया ना बात आपके कि मेमन तिजारत के अंदर आगे हैं और न्यासा जाए वो चुआ के भाई पां दीन दीन में वासे हैं पर दीनदारी में भी अज्ञा ही मेमन थोड़ा करना हुआ कि बता रही दिया कटड़ा इमाम साहब ईशाई नमाज पढ़ाई दिया हुआ तो भूल ही दिया ने सलाम करे सलाम फेरा ही मुखिया मुझे पुशिया मुक्त देंगे कि भाई ये कितनी रकात हुई तो चूंकि शायद चार हो गया तो बधाई ब्याह चुआ के नहीं मालूम नहीं हमको तो अपरो मेहमान उपो थी अच्छी हजरत आपने तीन ही रकात पढ़ाई है बोले देखो ये पक्का मुसल्ली है कि इसने बिल्कुल अंदाजा लगा लिया कि मैंने तीन पढ़ाया है तुझे कैसे पता चला आपको पची घेरी है तुझे मैं हर रकात में एक दुकान का हिसाब करता था कि आओ तो ये दुकान जो हिसाब अजी सुधी करी हुई यहाँ चौथी जो तो मेरे हिसाब बाकी हो अने आई सलाम पेरा मुखिया तो
मेहमान इबादत के अंदर भी आगे ऐसी बात नहीं है, अरे इबादत के अंदर भी बिजनेस कर देते हैं। उसके बाद आपने बताया कि लीडर अभी पैदा नहीं होते, तो बदनसीबी से मेमन के हर घर में अब लीडर पैदा हो रहे हैं। हमको लीडर नहीं चाहिए, हमको खिदमत गुजार चाहिए, खिदमत करने वाला चाहिए, और लीडर पैदा करे। जो खिदमत गुजार होता है ना, वो लीडर नहीं होता, वो खुद लीडर पैदा करता है। फॉलोवर उसके पीछे हो और हजार आदमी उसको फॉलो करे, नहीं, वो खुद ऐसा बनावे कि जो जिसको उसने बनाया उसको लोग फॉलो करें। वो कामयाबी है खिदमत गुजार की, और उस तरीके से अपने को खिदमत हमको करनी है। अल्लाह ने मेमन के बहु नवाजी है, अने आवाज के चुआ के अल्फाज मीम जो है ना, मीम अल्फाज मीम, ये अल्लाह के बहु पसंद है अल्फाज मीम। आइनारो जितना भी मुकद्दस चीजों जब ये अल्लाह ने बनाया है ना, अल्लाह ने नाम रखी है, कि आप समझ जा रहे हैं ना, आप मेरा आप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो मेमन हो मगर उर्दू बोलने वाले हो, समझ में आ जाता है ना। ना ना मेमन ही ना मुख मेमन असा जा बॉम्बे वाला भी है, तो वो उनिया मेमनी समझी भी ना बोली नहीं सकना। हाँ तो क्या बोल रहा था, मी तो ना रो सबसे पहला अल्लाह ताला ने पुत्र जो नाम माबूद मीम से रखी, मौला मीम से रखी। खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीम थी रखी। मक्का उते जो घर मीम थी रखी। मदीना मुनवरा मीम थी रखी। मीजान जो वजन जिते इंसान जो थे मीम थी रखी। मुजदलफा मीम थी रखी। मीकात जिते पर नियत करूं था मीम थी रखी। मस्जिद मीम थी रखी। मदारिस मीम थी रखी। मुहद्दिस मीम थी रखी। सैकड़ों मक्का पहला चीज़ से मक्का मीम से रखी। मदीना मुनवरा मीम थी रखी। माँ जो आई दरेक लैंग्वेज के अंदर आई, नारना के माँ आई ने ये लगभग मीम थी जूनी। माई चो के मदर चो के माँ चो के माई चो मीम थी जुनो। माँ के भी अल्लाह ताला एडो बड़ो दर चो दिनी है। मीका मुजदलफा माफ अल्लाह ताला बहुत पसंद करे तो माफी है। अने आखिरी में पाके मिलनू आए सारी रीते पा करना से पाजी जिंदगी तो मौत अल्लाह के मिलनू ये भी मीम से रखी है। अने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेमन भी मीम से रखी है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ही बुजुर्ग जो पांजा पा नाम मुकद्दस चीजों के सदके तुफैल इन्हीं जो पग जी धूल के तुफैल पाके सच्चो मुसलमान मीम थी, सच्चो मोमिन मीम थी पाके बनाई दिए। अने अल्लाह ताला पांजे गया से कम अल्लाह ताला गिनी 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 नेकी जा कम पांजे गया से गिनी गिनी। आई आज मैं के कटो कटो अवार्ड देना है। अने इन अंदर करो लिखे एनिटी ऑफ मास्टर करो लिखे हुआ इन मामलारी उसकी चाकरी यूनिटी ऑफ मैन ऑफ यूनिटी मसा अल्लाह पाके अल्लाह ताला बताए के यूनिटी वालों बनाए दिए। नो जोड़ अल्लाह के बहुत पसंद आए। अकड़ो दर्जी हो ई सिलाई करी रियो हो अने कत्तर के हमेशा लत मारनो हो अने सुई के हमेशा पोते की पागड़ी मथे रखनो हो तो कत्तर अगड़े वक्त चोई थी कैंची अगड़े वक्त चोई थी कि आओ मिजो कम कपन जो आए आओ जहाँ सुधी कपड़े के कपा ना तहाँ सुधी तोजो कम शुरू नहीं थी मिजो पहलो तो हक मिजो है पहले तो आओ कपी ने दिया थी तो सिबने ने जहाँ सुधी आओ कपा ना था सुधी तो सिबन जाओ तो जो कमज नहीं देती है तू बेकार ही है। तो जो करो कारण है कि तो के मथे से रखे तो पागड़ी पागड़ी जे मथे ने मिके लत मारे तो मुझे कोई केयर नहीं कर लो तो सुई चोई थी कि तो जो कम कपन जो है
અને બીજો કમ જો હોય ને જોડણ જો હોય તો જોડણ વારે કે અલ્લાહ તાલા મથે તે રખે તો હંમેશા એની ઇજ્જત હોય તે હંમેશા અને કપન વાળા પગ જે ઠેબે થાય છે તો પા હંમેશા જો હોય ને એ જોડણ વાળા બનીએ અને જમાત જે અંદર હંમેશા ધ્યાન રાખજા કે જમાત કી બને થી આપણો પાસે ચા બનાવ્યું હતું તો કેટલી ચીજ હોય છે કે ભાઈ તે માની પાણી ભેણું માની બેઠી બેઠી હોય કોઈ બી ચીજ અહીં બનાવ્યો તો કેટલી ચીજો ખપંદ થયું જમાત જે અંદર બી ઘણી બધી ચીજો ખપંદ થયું જમાત જે અંદર નારો પહેલાં તો અહીં કે નામદાર ખપનું જો નામ કરેલો હોનું કોઈ જમાત જે અંદર હિ શેઠી હોય ઇનામદાર હોનું અસર મેં કે કનમે છુનાવા કે ભાઈ એસા કે બહુ હેલ્પ કરી રહ્યા હે એસા કે હેલ્પ કરી રહ્યા હે બરો નામદાર ઇનામદાર કામદાર સલાહકાર અને પછી સૌથી વડો કામદાર જો અશરફભાઈ મોતીવારે જેડા બધા બીયા બધા અહીંયા અહીં તો કમ કરણ વાળા એમ ખડે ઉભા રહેતા એ કામદાર તો મેન કામદાર બી માગે ખપે બધે જે ભેગો અને બધા ગુના તો જ જમા થઈ નામદાર બી ખપે કામદાર બી ખપે ઇનામદાર બી ઇનામદાર બી ખપે જો ઇનામ પાકે દે પાકે ડોનેશન દે એ બધા મિલીને આખી જમાત બને હતી અને અલહમદુલિલ્લા અહીં અહીં જો બધા જો ગીરીઓ ગેટ તે નારીઓ સિવાય યુનિટી જો અહીં ગયા અલહમદુલિલ્લા અલ્લાહ તાલા અહીંની યુનિટી બરકરાર રહીએ અને મેમન ડે સારી રીતે અહીં જો ઉજવી આવ્યો હજી સારી રીતે બધે કે ભેગું કરીને ઘર જે અંદર બચ્ચે બચ્ચો મેમન ડે મનાય અને ટીમ ડી આ વાયદો કરો કે અહીં જો ઘર જે અંદર ભલે અહીં ઇંગ્લિશ બોલો તા ઉર્દુ બોલો તા પણ 11 એપ્રિલ જો હર ઘર જે અંદર પોતે જે બચ્ચે કે પાને મેમણી બોલાવી હે પકો કમ સે કમ 11 તારીખ જો પાને પાને ઘર જે અંદર બચ્ચે કે મેમણી બોલાવી હે અસરભાઈ એમ્બેસેડર રહે કે બધે કે વોટ્સએપ થી અસરભાઈ મોટા ને અસરભાઈ મોતીવાળા અહીં કે બધે કે મેસેજ ઉગાઈ દીના અને ઇન્શાઅલ્લાહ મેં કે એવું ઉમીદ આવી કે અહીં જો મેં કંઈ ઇજ્જત દેના એને લે બહુ બહુ શુક્રિયો અને એ જો અહીં શીલ્ડ દેનાયું મેં એ ઇકબાલ મેમન ઓફિસર કે નહીં એ હિન્દુસ્તાન જે 500 જમાતો કે અને હિન્દુસ્તાન જે 15 લાખ મેમણ જો અહીં સન્માન કરી આવ્યો એટલે માન ડબ્લ્યુએમઓ બી આવી બહુ સારો અલહમદુલ્લા રકમ કરી રહી છે આગળ જોડાયો ખપે IMOI ઇન્ટરનલ નેશનલ મેમન ઓર્ગેનાઇઝેશન એની અંદર આકડો પૈસા જેવી ફીસ નહીં વિગર ફીસ એની અંદર બી પાકે જોડાયો ખપે કોઈ જો કમ જો હોય ને અલગ અલગ કમ હોય WMO જો ચેરિટી જો કમ આવે એનો કમ ચેરિટી જો નહીં યુનિટી આવે એક્ઝિબિશન કરનું સ્પોર્ટ્સ કરનું સેમિનાર કરના વેપાર જા ઉ લગાના એક્ઝિબિશન એ IMO જો કામ હે એ IMO કરી રહી છે અંગ્રેજો દુબઈ જે અંદર મીટિંગ આવી ઇન ઓગસ્ટ મેં તો એની અંદર બી હા આઈ કે ગુજારિશ કરું છું કે અહીંયા જો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આવે એ આપણો બહુ જણા જરૂર દુબઈમાં હાજર રહે WMO જે મીટિંગ જે અંદર બી અહીં હાજર રહ્યું દુનિયા સી પાકે જોડાઈને હલનું હોય જેતે જેતે યુનિટી પાછી મેમણ કી આવે જો સંસ્થા બની રહી હોય પાછી ભલાઈ લે કરીને બની રહી હોય અને પાછું મકસદ જ બધે જો મિલી રહી એ જાય કે પા કોમ જી ભલાઈ કરજે હું ઘણો બધો ટાઈમ મિલી ગયો છે કે હું નૂર અમરોઈ સાહેબ ને કડી હાલ કરી આને કે પછી એરો ના થઈએ કે પછી હું એ ઓર્ગેનાઇઝર કે પછી ગોતર હા હંમેશા અહીં બધા લે કરી આપણો દુઆઈ કલમા હંમેશા બધા લે જેતરા હાજર હોય ખિદમત કરવાના હોય તો ઈચ્છે કદમ કદમ પે ઉજાલે ઉતર કે આયેંગે કદમ કદમ પે ઉજાલે ઉતર કે આયેંગે તેરે નસીબ મે તારે ઉતર કે આયેંગે સહારા બન કે નિકલ ઘર સે બે સહારો કે લિયે તેરી મદદ કો ફરિશ્તે ઉતર કે આયેંગે વાખિરુ દવાના અનિલ અલહમદુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન કોઈ ભી કમ હોય સાદી જા વ્યા જા જોડે જા ઇન્ક્વાયરી જા કોઈ આઈયો મરીઝ અલ્લાહ ના કરે કોઈ અચ્છે અને કોઈ ભી કમ હોય સાજી બહુ મજબૂત ટીમ આઈ
सजे सजे हिंदुस्तान में आई असा के बिल्कुल याद कर जा असा इंशाल्लाह जितरो थी सकलो असा के खिदमत कर ले करे तैयारी हूं चार डॉक्टर लेडी डॉक्टर के आऊं मुबारकबाद दिया तो अने इनी जे पूरी फैमिली के मुबारकबाद दिया तो अने ई तो दुआ नहीं करी सकनु सी कि आईगी आईगी का खूब मरीज मरीज अच्छे ने खूब आईगी धंधो हली पोई ने आईगी बरकत थी है पर इतनी जरूर दुआ करनु से कि अल्लाह ताला आईगी हाथ में एड़ी शिफा दिए के आईगी ते मरीज जी लाइन लगे ने हकड़े वक्त मगर मरीज अच्छे तो बिहार के अच्छे की जरूरत ना पोई इनके शिफा दिए इनके अल्लाह ने सारो की जरूर आई के दुआ करनु से वाखिर दवाना ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इकबाल मेमन ऑफिसर बहुत शुक्रिया जो बहुत सारी है तकलीफ के लिए हाँ टाइम आई पेट पूजा जो तो आऊँ पहले लेडीज की गुजारिश कर रहे हैं प्लीज कहीं जो बिना वीजा इंडिया जा इंडिया जाए कौन एम्बेसी से रहता पति गाल कर रहे हैं प्लीज यू नो पहले लेडीज के पति जेंट्स Thank you. Thank you. अच्छा ये जो आवियो आए पंजे अशरफ मोती वाला नाम भी नहीं आए लेकिन ये आए एमएनटी की तरफ से आए मेमन एसोसिएशन नॉर्थ टेक्सास इनकी तरफ से आए ये बड़े याद रखना एमएनटी जी आए सॉरी मेमन इकबाल भाई की तरफ से आए मेमन मेमन डे काउंसिल की तरफ से आए इकबाल भाई पांके प्रेजेंट करी आए मेमन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास असी में भाई समझ में होते हैं कड़ी कड़ी गलती थी ना वहां तो ना ही अरे भूख भी लगी है वा Thank you.
Thank you. Thank you very much. He is still over there. He is on 1 hour. And he is on the other side. ઘણા વખતે ઘણા ચૂંટતા મારું મેમણ ચૂંટતા કે કોઈ આદમજી બનો કોઈ એસી બનો અને આ પાણી પોતાથી કોઈ ભાઈ મેમણ બનો અને એમ્બેસેડર મોદીવાલ એ જોઈન કરી રાખીએ યુનિટી દીદી અહીં હાલ કરીએ હાલ કરીએ કે યુનિટી હકીકતને હીરાજી યુનિટી એને બનાવી લગભગ 30 વર્ષ. થેન્ક યુ વેરી મચ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میمن ڈیٹا فنکشن تھی مجھے ڈالس ٹیکسس ٹیم میں بدائی میمن جمع کیا. جیسا بھائی جو امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ 11 اپریل میمن سے جو ہے انہیں بدائی ملی ہے میمن ڈے جو پروگرام کر دیا یہ اصلی خواہش ہے. اقبال بھائی اچھے لائے یہ مہربانی انڈیا سے اچھے آئی لندن گیا لندن سے نیو یارک گیا نیو یارک کا نیتا ابھی آئی ڈالس پہ ویمن ایسوسیشن نارتھ ٹیکسس کی طرف سے ہاں ان شاء اللہ انہیں آسٹریل بھی گیا انہیں کی مہربانی سے انہیں کی ساری کارکن ہوئی ان کا شکریہ ادا کروں گا. میں آئی بدھے کی مہربانی ایسا یہ پروگرام کریا ہوں ان شاء اللہ ویمن ایسوسیشن نارتھ ٹیکسس کے ہمت کی ہو میں دعا کروں خدا حافظ. हाँ अहमद बूमिया डैलस टेक्सस में अस मेमन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सस जो मेंबर हूँ. इकबाल भाई आज विजिट करी रहे हैं असा के. इकबाल भाई मेमन डे जो कॉन्सेप्ट गिनी ने आविया ने सारी दुनिया में मेमन डे के रोशनास कराया 11 अप्रैल जी मेमन डे बनाया था. मुझे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है. पाके मेमन डे
बहुत जोश ने खरोश से बनाया खबे थैंक यू वेरी मच मुझे नाम एजी चीनी है आमड़े फनेशिया रेडियो के प्रोग्राम है आज असा लाइ करी में सची मेमन कम्युनिटी लाइ करी में बहुत बड़ो खुशी हो असा के ये तो खबर हुई के इकबाल भाई का अचना तो बहुत ही अच्छी जमी ने बहुत बड़ो थी और असा के ये खबर ना हुई कैसे खुशी हुआ शाम होनी इकबाल भाई वाला सी अपने सदस्य स्पीचेस की तकलीफ सुन रहे हैं सचमुच जब कम्युनिटी लीडर के जीरो रेनू खा पा उससे भी काफ़ी अच्छी है हाँ ये समझा तो कि मेमन असा बड़े लकी आयू के असा के इकबाल भाई जो अपो लीडर मिली हुआ है इनका तशरीफ गिनी आ गया असा इनका शुक्रगुजारी हूँ इकबाल भाई अने आइंदा भी अचना रहो असा इनसे गुजारिश है जो जो मशवरा असा के दिन है इंशाल्लाह इनके भी असा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना से अने बहुत बहुत शुक्रिया आइया तमाम मेमन जमात जा Memon Association of North Texas Thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. मुझे नाम अंजुम इब्राहिम और मुंबई से हैं अलहमदिल्ला वो जो अमेरिका में देखने बीबर से हैं अज बहुत खुशी थी ऐसा के असा इकबाल मेमन ऑफिसर साहब भी मुंबई से आ गया ने जो इन जो कॉज है ये माशाल्लाह से जिनके मुझे जो जो भाणे जाए जो भतीजो थे तो ये इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन 15 जमात जो हूँ जनरल सेक्रेटरी है इकबाल भाई जो माशाल्लाह बता रही है तकरीबन 505 जमात हुई मुंबई में इंडिया में तो उनके हैंडल कर रहा है ने कि बहुत ही जात से इतो कम कही है इनजी बार में ने इनजी गायबा ने इनकी तारीफ करी हो इकबाल भाई ने चुरी हो कि जो पाँची जमात जोड़ा इंडिया में है जो कंट्रीब्यूशन है जो थी रही हो पहले थी रही हो ये चंद से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये खुशी की नहीं सुनी है कि इकबाल भाई जैसे चंद्रबाद को कंट्रीब्यूशन 8 times 8 गुना बढ़ी है तो ये इतनी मेहनत करी है ने ईच भी हो के अरे मारू जी जैसे तारीफ मुझे पीछे जगह से दिए ना वो बड़ी से सारी होती है वो तो मीठा बोल कभी बोली नहीं था लेकिन माशाल्लाह से उम्मीद के जो फीडबैक नहीं है कि आए जे जा जो आवी आए ये जो मुलाकात रहे मतलब बस अभी नहीं रहा तो इन्हीं जी ये खूबी है नहीं ये मतलब कोई भी हर कम में घने कोई कंसेशन जो मतलब घने कोई कोई के पाँच गरीब है कोई के घर डीनू है तो घने पूरा टूटे डीन दिया पची उनके वेरीफाई करना है कि भाई सही मारू के पास डी दिया नहीं डी दिया पची वो पूरी टीम मीनी ने ना रो चेक कर लो मोस्ट सही के डीनू पहुँचाए ये बहुत जिम्मेदारी का काम है नहीं जो करी है अल्लाह तला इनकी जजा खैर दिया ने वर्ल्ड मेमन डे जो जो कंसेप्ट इन्हें जो आज बताई है तो अखड़ी तरीके से पाँच अखियों खुली हुई असा जो पा वर्ल्ड मेमन डे जो असा जो मनाया तो पा ईद के भाई फन करूँ था अपनों पा मस्ती मजाक करना रहता खेलना फिरना मौज मस्ती करना हली मिलना तो मेमन डे जो कंसेप्ट असा जो वो हुआ लेकिन जब अज इन्हीं की तकरीर पास सुनी है तो समझ में आ गया कि भाई इन्हीं जी जो एम है जो गोल है ये है कि खाली मेमन डे जो मनाने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी पंज दुनिया में जितना भी मेमन है ये बड़ी गई वर्ल्ड डे में मेमन डे में तो पाँच बच्चा इन जो हाल करिया मोड़ सोचे के पूरी 11 अप्रैल पाँच पाँच बच्चा के चुनु है या मेमनी में बोला या कोई कम कर तो की वही गल तो बार असा इन्हीं के शुक्रिया जरूर इंडिया इंडिया लोग दूर से आ रहे हैं अल्लाह ताला इन्हीं जी मेहनत की कावशिश को कबूल करना है जो कम करिए इन्हें बरकत हो दाहर में ते पाके इन्हीं से सीखे ने पाके भी एड़ो कम करने जो अल्लाह ताला जस बोल दे बस ये नहीं चुनो अस्सलाम वालेकुम जमाते
વિદાય અને પાંચ વડા યુ વડો વડો તરીકે નહીં પણ મેં કરી દીએ બહુ વડો કરી દીએ અને જો સમાજી પાંજા મતલબ કે કામ કે ફરી પાંજે કરે જણે કો કે મહી છો આ એક ગુજરી ગયો છે જે પા મદદ કરી દે નહી પા આ મતલબ કે એડી ઓર્ગેનાઇઝેશન કે બરા છે કે ઇતરો વર્ષ અને બહુ મોટે પેમાને તે મતલબ કે થઈ ગયો હોય અને રાત જો બાર વાગે બાર રાત જો કોઈ ચલે ની કોઈ ભી અને પાંજે દે મતલબ કે જો મનાને આજ મેમન એસોસિએશન પ્રોગ્રામ લો બુઝુર્ગ હસ્તી હસીન હસ્તી શિરકત કરી રહી હૈ વગેરે બકાયા અલ્લાહ તઆલા انہیں جو کمی میں انہیں نکالیے میں برکت دے انہیں جو اس پاک مشورہ دینا پاک اللہ تعالیٰ انہیں مجھے عمل کرنے جو توفیق عطا فرمائے انہیں یہ نیک کمی جسد کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پانجی اولاد کے بھی دین قائم رکھے ان سے بھی نیک کے سارا کم گنے تو انہیں کی بھی دین و دنیا کوئی نہ صرف نہ کرے یعنی کہ انہیں جو سچو پکو مسلمان نہیں ہیں جو کردار ادا کریں جو توفیق عطا فرمائے پورے جہاں یہ خدمت کریں جرا جرا بھی رہیں اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے اللہ تعالیٰ اسان اقبال بھا کے بھی خدا سزا ہمت دے انہیں جو سائے اسان مت در قائم رکھے اللہ تعالیٰ انہیں جو نیک نیت ہوئی انسانیت تک ہے انہیں کی وجہ کے پائے تک تک پہنچائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ہر قوم میں اپنا ڈی ہو تو ہر مذہب میں اپنا تہوار ہو تو ہر ٹھکانے کوئی نہ کوئی خوشی ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پاک کے بہت تہوار دیے ہیں اور مدینہ شریف آئیا انہیں جس سے یہ لوگ کی تہوار میں تہیں کی کوئی تہوار دیے ہیں تو تہوار میں رہنوں وہ ساری گال ہیں اکرو بھی جان پہچان جو ملن جلن جو خدمت جو میمن نے اپریل جی بارہ تاریخ گزارش ہے جنہیں پاکستان بن جو 70 years about 90 years ago عظم جی حاجی داؤد he was given the name sir because he was one of the so much given and he started a program کہ میمن بچہ پڑھ رہا ہوا تو تمہاری سنیا ہوگا تو ایجوکیشن دے رہا سو آئی سے گزارش آئے کہ آئے ہی نہ ہو کہ اگر وہ
if she doesn't pay these expenses. So I can recycle that money. Adam ji, jo mujhe fund jo hai, aaj bhi active in Karachi. So I, Allah ke aage paake kiya, main shuru karo ki 10% of this account came to this program. So now record karna hasla, chahe pura record karna. Kisi se chiz hal karna. Yaar, hum hal nahi aayega. Karna hasla from the zakat fund for education. And that person to pay back in lifetime if he wants to. If he doesn't want to, fine, no problem, we see it. Get together karni family mein bachcha aur bade mili mein day celebrate karna hai understand karna ke baaki sacrifice make sure for sacrifice karu main ba ye logo ki help karu badhai se badhai main yaadat ki sange enjoy bhi karu unhi ke main make sure ke unke the holiday and in the best possible way to celebrate so thank you again Iqbal bhai and Panjab Ashram Moti wala for બહુ મહેરબાની ગડબડા આવા ઇન્શાલ્લાહ 11 એપ્રિલ જો મેમન્ડી બને ને બધી મિલીને બને ને ઇન્શાલ્લાહ આવી જશે કે પૂરી કરાવવા બધા જો મિલી ને બની જાય અને Iqbal bhai India se Iqbal bhai India se paanche laye aaye in Dallas Texas mein par sorry memon memon memadayo pa bade memadayo daro itte bade aaye doctor
दबा के बताएं दबा हेलो बेटा मेहमान ही हूं पा I'm gonna make you mine.